हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी टेस्टी हेल्दी हरे मटर की कटलेट। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। हरे मटर की कटलेट बनाऊंगी तो इसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दो बॉयल पोटैटो, एक कप हरे मटर बॉयल करके रखा, एक इंच जिंजर ग्रेट करके रखा, एक चिली कट के रखा, दो चम्मच हरी धनिया बारीक चॉप करके रखा, दो चम्मच ब्रेड क्रम बाइंडिंग के लिए यूज करूंगी, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, दो चम्मच ऑयल। पहले हरे मटर और बॉयल पोटैटो को अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। सारी चीज अच्छी तरह से मैश कर दिया। अभी जो चिली और जिंजर लिया वो भी ऐड कर देती हूँ, साथ में हरी धनिया ढेर सारा और ड्राई मसाला ऐड करके और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके हो गया। अभी जो बाइंडिंग के लिए दो चम्मच ब्रेड क्रम लिया वो ऐड कर देती हूँ। आप लोग को पास ब्रेड क्रम नहीं रहेगा तो जो फ्रेश ब्रेड आता है वो भी ग्राइंडर में ग्रेट करके ग्राइंडर में पीस के ऐड कर सकते हैं। वो भी नहीं रहेगा तो सूजी भी ऐड कर सकते हैं। अभी छोटा छोटा पोर्शन लेके कटलेट बनाऊंगी। थोड़ा सा मटर मैं अखा रखा क्योंकि कटलेट में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे सारे कटलेट बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे कटलेट बना के तैयार कर लिया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। सैलो फ्राई करूंगी, इसके लिए एक पैन ले लिया, उसमें दो चम्मच ऑयल ऐड कर देती हूँ। ऑयल गर्म होते कटलेट को एक एक करके ऐड कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम में कटलेट को फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक बार में सारे कटलेट को ऐड कर दिया और सारे कटलेट को फ्लिप कर लेती हूँ। दूसरे तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। कटलेट दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब एक एक करके निकाल लेती हूँ और डिश आउट कर लेती हूँ। टेस्टी हेल्दी हरी मटर की कटलेट बनके रेडी हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।